अच्छा तुम बताओ, क्या कोई है इस पूरी दुनिया में जो मेरे क्रोध को संभाल सकता है? अगर मुझे क्रोध आ गया तो तुम बताओ उसको कौन शांत करेगा? इस धरती पर भूचाल आ जाएगा अगर मुझे क्रोध आया तो, और ये पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए तुम्हें पता है मुझे बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा हूँ। मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, क्योंकि तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुँचाना ये मेरा मकसद है। वहाँ से पहले तो ना मैं तुम्हें रुकने दूंगा और ना ही मैं भी आराम करूँगा। ये जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, थोड़ा इसमें खुद को आराम भी दे दिया करो। मैं बैठा हूँ तुम्हारी तरफ से सोचने के लिए, तुम्हारी तरफ से चिंताएं करने के लिए, और जो तुमसे बहुत अच्छा और सच्चा सोच सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ तुम बस बेफिक्र रहा करो, सारी चीज़ें सिर्फ मुझ पर छोड़ दो। पर तुम हो कि रहते ही नहीं हो, कितनी परेशानियां अपने दिमाग में डालकर रखते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि शांत होकर बैठो और अपने काम में मन लगाओ और अपनी रात की नींद पूरी करो। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।